नमस्कार, शाम के 7:30 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय नंबर वन सुशंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जिसके साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। मुंबई में एंटीलिया के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस को एक टैक्सी ड्राइवर ने फोन करके बताया कि उसकी टैक्सी में जो दो लोग बैठे थे वह एंटीलिया के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश में थे। उन टैक्सी सवार लोगों के पास बैग था। मुंबई पुलिस को सूचना मिलते ही एंटीलिया की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। टैक्सी ड्राइवर के बयान के आधार पर जांच तेज कर दी गई है। लोग पता पूछ रहे थे, टैक्सी में बैठने वाले लोगों के पास बैग था, ये पूरी जानकारी ड्राइवर की ओर से दी गई है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। टैक्सी ड्राइवर के बयान के आधार पर जांच तेज हो गई है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता एंटीलिया के बाहर से मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। मुस्तफा, जब से ये जानकारी सामने आई उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, लेकिन वो दो लोग कौन थे, कहां से आए थे, उनका मकसद क्या था, क्या इस बारे में कोई भी जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल चित्रा, जैसा आप बता रही थी कि टैक्सी ड्राइवर के साथ पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। इस वक्त हम एंटीलिया के बाहर ही मौजूद है और यहाँ पर आप देखेंगे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। मुंबई पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। जहाँ तक उन दो संदिग्धों का सवाल है तो RTO से मदद ली जा रही है। जिस गाड़ी में वो लोग बैठे थे उस गाड़ी को ट्रेस कर उन लोगों के हुलिया के स्केच बनाकर उसको भी आप कह सकते हैं कि जगह जगह चेक पॉइंट लगाए गए हैं मुंबई में और सर्च चालू है। फिलहाल आप देखेंगे एंटीलिया के बाहर तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी व्यवस्था है वो बिल्कुल एकदम पुख्ता कर दी गई है। पहले भी हमने देखा था कि एंटीला बॉम्ब स्केयर केस हुआ था और उसके बाद कई पहलू सामने आते, तो एक वाइटल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन मुंबई का एंटीला है ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन इस पूरे जो कार्रवाई है इसके सामने आने के बाद, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर ने सामने आकर पुलिस को ऐसा बयान दिया कि उसे उन दो लोगों पर शक हुआ, उन लोगों ने जो जाँच है वो शुरू कर दी है। जाँच में क्या बाहर आता है ये उन दो संदिग्धों के आप कह सकते हैं पुलिस को मिल जाने के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए, दो लोगों की तलाश है, उनके सामने आने के बाद ही स्थिति और ज्यादा साफ हो पाएगी। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।